पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन किया गया। साइकिल यात्रा के साथ ही बैलगाड़ी यात्रा भी यहां पर निकाली गई और विरोध प्रदर्शन के दौरान ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव डहरिया, कवासी लखमा, अनिल भेड़िया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। ऐसा होता है कि जब कोई प्रदर्शन करता है तो अपने नेताओं की फोटो रखता है, लेकिन आज कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है उसमें डॉक्टर रमन सिंह, देवजी भाई पटेल, भाजपा के तमाम नेता साइकिल में नजर आ रहे हैं। इसी के सामने साइकिल है और तमाम मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, मेयर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मेयर हैं, तमाम लोग यहाँ पे कांग्रेस पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पेट्रोलियम पदार्थों में जो बढ़ोतरी हुई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन जो फोटो है वो रमन सिंह की लगा रखी है आप लोगों ने। केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार इस देश के 130 करोड़ जनता के जेब में डाका डाला है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम जनता को बहुत ज्यादा परेशान किया है। आम जनता चाहे किसान हो, मजदूर हो, प्रभावित हुआ है। कल तक केंद्र में हमारी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री होते हुए भी साइकिल यात्रा करके केंद्र सरकार का विरोध करते थे। निश्चित रूप से जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से देश में महंगाई है। मोदी जी ना देश की सीमाओं को संभाल पा रहे हैं ना देश की महंगाई को संभाल पा रहे हैं। देश के हमारे सैनिकों को चीन के लोग मार रहे हैं और मोदी जी महंगाई से हमारी देश की जनता मारी जा रही है। तो आज हमारे देश की जनता त्रस्त है। दर्शन से कुछ होगा, आज हमारा पूरा उम्मीद है देश का लड़ाई महात्मा गांधी, पंडित लाल नेहरू, आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ा है। इसी प्रकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, ये लड़ाई चालू किया है। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये लड़ाई किसान, मजदूर, व्यापारी, आम आदमी जो रोज आजाद हिंदुस्तान में रोज डीजल बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको जगाने के लिए, एक गूंगी भरी सरकार को जगाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। साइकिल आप लोग क्या करेंगे, कैसे विरोध करेंगे? बिल्कुल, आज पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस संगठन के माध्यम से विरोध में भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री ने जो हरकत कर रही है आज उसके विरोध में खड़े हैं। महिलाओं की घर गृहस्थी जलाने के लिए हमारे जो केंद्र में बैठी है स्मृति ईरानी हमेशा सड़क में उतर जाती थी कि आज सब्जी का रेट बढ़ा है, आज गैस का रेट बढ़ा है, आज डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा, आज कहाँ छूट गई, आज कारनाम को कैसे बंद कर ली, आज महिलाओं की तकलीफ उनको दिखाई नहीं दे रही है, आज गरीबों की तकलीफ उनको नहीं दिखाई दे रही है, आज किसानों की तकलीफ उनको नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे पूरे कांग्रेस की महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री का कड़ी से कड़ी विरोध करेंगे। सुनना चाहता हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी आठ आना पेट्रोल डीजल बढ़ता था तो आप लोग संसद भवन का साइकिल से और बैलगाड़ी से आप घेराव करते थे। आज वो नेता लोग कहाँ छुप गए हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, कहाँ? लगातार ये जो दाम बढ़ने का सिलसिला है, कांग्रेस बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और एक सभा को संबोधित किया जा रहा है। इसके बाद तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के खासतौर से हैं वो साइकिल में रवाना होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को एक साइकिल भेंट करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि इस मामले को संज्ञान लिया जाए। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।